क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी लीग आईपीएल के फाइनल मैच में पूरे विश्व की निगाहें थी कि आखिरकार कौन जीतेगा, और अंत में एक व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान पूरा विश्व सपोर्ट कर रहा था, वो थे महेंद्र सिंह धोनी, और आखिरकार उनकी टीम ने इतिहास रच दिया और इस बार की ट्रॉफी जीतकर अपने नाम पांचवी पाल ट्रॉफी अपने नाम की और इसके साथ मुंबई इंडियंस के साथ बराबरी भी कर ली। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर्स का जहां से जीके के प्रश्न 100% आते हैं, और मैं एक एक प्रश्न मैं यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए पूरे वीडियो को, बहुत ही कम समय में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप सब देख रहे होंगे कि चैंपियंस 2023 मतलब आईपीएल के जो 16वां संस्करण था, 2023 के चैंपियंस कौन है बच्चे? बहुत ही साफ साफ पीली जर्सी, नाम सही है, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं थोड़े इतिहास पे बात कर लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है आईपीएल का, 2023 में खेला जा रहा था और इस बार का ये 16वां एडिशन था, 16वां संस्करण था जिसका पहला एडिशन बच्चे 2008 में खेला गया था, और पहले संस्करण का विजेता राजस्थान रॉयल्स था, जो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर की कप्तानी में ये राजस्थान टीम विजेता बनी थी। वर्तमान में शेन वॉर्न जी दुनिया में नहीं है। साथियों, आईपीएल के चेयरमैन थे वर्तमान अरुण सिंह धूमल और प्रायोजक थे टाटा। टाटा आईपीएल इस बार चला है पूरा, ठीक है। और सबसे खास बात, इस आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च को हुई थी, 31 मार्च 2023 को, जो 28 मई 2023 तक चला है। 28 मई तो कहने के लिए है, लेकिन मैच तो चला है 30 मई तक, क्योंकि बच्चे 28 मई को बारिश हुई तो 29 मई रिजर्व डे, 29 को भी बारिश हुई, लेकिन बच्चे होते होते 30 तारीख लग गई थी, मतलब सीएसके विजेता बनी है दिन मंगलवार को। साथियों, पहला मैच जो 31 मार्च को खेला गया था वो सीएसके और गुजरात के बीच में, कहां पर? अहमदाबाद में। और इत्तेफाक भी ऐसा था कि जो पहला मैच सीएसके और गुजरात के बीच में अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर खेला गया था, और वहीं पर उसी मैदान पे उन्हीं दो टीमों के बीच में फाइनल मैच देखने को मिला है, जिसमें हमने पहले ही बताया कि चैंपियंस चेन्नई, लेकिन अगर रनर अप की बात कर लें तो बच्चे रनर अप जो उपविजेता थे वो गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। साथियों, टोटल 10 टीमों ने इस लीग में पार्टिसिपेट किया था, और टोटल सारी 10 टीमों के बीच में 74 लीग मैचेस खेले गए। अब मैं बात कर रहा हूं आगे की तरफ, इसमें जो अवार्ड होते, जो पेपर में आपके प्रश्न आते, ये आपको बहुत बेहतरीन प्लेयर दिख रहा होगा, बहुत ही कम उम्र में इसने नाम कमाया है, इनका नाम है शुभमन गिल। क्या नाम है? शुभमन गिल। और शुभमन गिल बच्चे इन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में किस टीम्स के खिलाड़ी थे? जीटी, गुजरात टाइटंस के। और आखिरकार इनको मैंने क्यों लाया यहां पर? क्योंकि इनके हाथ में जो फोटो आप देख रहे हो, सबकी टोपी बच्चे नीली होती है, लेकिन इनकी टोपी ऑरेंज कलर की है, मतलब ऑरेंज कैप। और ऑरेंज कैप उस व्यक्ति को पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में मिलती है जो सबसे ज्यादा बल्लों के साथ रन बना देता है। साथियों, इन्होंने टोटल 890 रन बनाए हैं पूरे आईपीएल 2023 में, इसीलिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को कैसी टोपी मिलती है? ऑरेंज कैप। और बच्चे इस बार के विजेता कौन है? शुभमन गिल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले भी बच्चे एक बात और बता दें, जब रन बनाने की बात आएगी तो शुभमन गिल का नाम आएगा, लेकिन जब बच्चे बात आएगी कि पूरे आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो विकेट लेने का रिकॉर्ड है मोहम्मद शमी के नाम, जो इन्होंने पूरे आईपीएल 2023 में बच्चे 28 विकेट लेकर कौन सी कैप जीती है? तो इस कैप का कलर आपको दिख रहा होगा, इस कैप को हम लोग कहते हैं पर्पल कैप। तो पर्पल कैप उसे दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, ऑरेंज कैप दी जाती है। अब यहीं पर बच्चे और बहुत सारी बातें कर लेते हैं, अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इस बार की विजेता टीम जो है वो चेन्नई है। चेन्नई आखिरकार बच्चे, चेन्नई मुंबई कोलकाता इतनी टीमों ने भी जीता है, चेन्नई बच्चे 5 बार जीत चुकी। चेन्नई पहली बार कब जीती थी? 2010 में लिख सकते हो, फिर 2011 में बच्चे जीती थी, 2011 के बाद कब जीती थी? 2018 में,
और सब धोनी की कप्तानी में। 18 के बाद बच्चे 2021 में और कल जीत गई है मतलब 2023 में, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चेन्नई ने पांचवी बार खिताब अपने नाम कर लिया। अब बात आती है मुंबई, ऐसी कौन सी टीम थी जो सबसे पहले ज्यादा बार जीती थी, वो थी मुंबई। मुंबई ने जीतना शुरू किया 2013 से रोहित शर्मा की कप्तानी में, 13 में जीती, 2015 में जीती, 15 के बाद 17 में जीती, फिर 19 में जीती, मतलब एक एक साल छोड़ छोड़ के बच्चे मुंबई ही जीत रही थी, और फिर 2020 में जीती। और उसके बाद देख लेते हैं, 5 बार मुंबई, 5 बार चेन्नई। अब बात आई कोलकाता की, कोलकाता ने 2 बार जीता, एक बार 2012 में और एक बार 2014 में, और ट्रॉफी दिलाने का पूरा काम किया किसने, गौतम गंभीर ने। राजस्थान, जो बच्चे आईपीएल जब शुरू हुआ था 2008 में, तब शेन वॉर्न ने पहली बार राजस्थान को जितवाया था 2008 में, और डेक्कन चार्जर्स जो बच्चे हैदराबाद के पहले टीम हुआ करती थी 2009 में इसने विजेता पाई थी, विजयी हुई थी, ठीक है। फिर हैदराबाद की अगर मैं बात कर लेता हूं, हैदराबाद जो बच्चे टीम जीती है वो कब जीती, तो यहीं पर आप देख लो 2016 में, तो हैदराबाद कब जीती है 2016 में, और गुजरात कब जीती थी, पिछले साल की विनर टीम थी 2022 की गुजरात। तो मतलब पूरे 16 संस्करण हुए, 16 संस्करण के हर वर्ष के हमने बता दिए। सबसे ज्यादा किसने जीती है, चेन्नई 5 बार, मुंबई 5 बार, दोनों बराबर हैं, उसके अलावा भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद देख लेते हैं यहां पे अवार्ड की बारी, विनर्स बच्चे इस बार की टीम कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग, कितनी धनराशि दी गई है 20 करोड़। बच्चे रनर अप उप विजेता कौन है, गुजरात टाइटंस, कितनी धनराशि से इनको सम्मानित किया गया है 12.5 करोड़। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये आप देख रहे होगे, इमर्जिंग प्लेयर का मतलब होता है कि पूरे सीजन जो 2023 का आईपीएल चला इसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो उभरा है, अनकैप्ड प्लेयर होता है। 10 लाख का इनाम मिला एसएससी जायसवाल को, और एसएससी जायसवाल को बच्चे सब लोगों ने बहुत पसंद किया। यह बंदा था, किस टीम का था सबको पता है बच्चे, ये राजस्थान का प्लेयर है, और बहुत ही मात्र 21 साल की उम्र में बहुत ही जबरदस्त पारिया खेला था एसएससी जायसवाल, क्लियर है। तो इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द 2023 का अवार्ड से नवाजा गया है। ऑरेंज कैप मैंने पहले बता दिया किसको दिया गया, सुमन गिल को। पर्पल कैप मोहम्मद शमी, ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर का मतलब होता है जो सबसे कम गेंदों में, सबसे ज्यादा रन बना दे, मतलब स्ट्राइक रेट उसका हैवी रहे, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे ग्लेन मैक्सवेल। और फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुमन गिल, सुमन गिल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर यही थे। और देख लो गेम चेंजर ऑफ द सीजन सुमन गिल, कैच ऑफ द सीजन सबसे बेस्ट कैच किसने पकड़ा था, राशिद खान ने। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल, कोई भी बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, वो कौन सी टीम, दिल्ली कैपिटल। मोस्ट फोर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे, सुमन गिल ने। लॉन्गेस्ट सिद्ध ऑफ द सीजन, सबसे लंबा छक्का किसने मारा, फाफ डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, 10 लाख का अवार्ड। फिर बेस्ट पिच एंड ग्राउंड ऑफ द सीजन, बच्चे बेस्ट पिच का अवार्ड किसे मिला, ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम को, दोनों रूप से समाहित एक तरह से 50 लाख का। इस प्रकार पूरे आईपीएल की जानकारी हमने बहुत ही कम समय में आपको दे दी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के अपना 1 नंबर 2 नंबर पक्का कर लोगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फिर से माही मार रहा है, जय हिंद जय भारत।